दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज मैं बात करूंगा उन सारे लोगों के बारे में जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपने सबसे चहते लोग को या चहते व्यक्ति को खोया है, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में आगे जीना या सर्वाइव करना भी छोड़ चुके हैं और हमें इतनी प्रॉब्लम है कि हम किसी के साथ अगर साझा करते हैं तो हमें पागल समझने लगते हैं और वो ऐसा हमें समझने लगते हैं कि जिसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। सो दोस्तों, आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो अपलोड किया था कि अल्पायु में मृत्यु क्यों होती है। तो उस वीडियो में मेरे पास मोर देन 5000 मेल आए लोगों के और उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए वीडियो के नीचे, और उसमें पता लगा कि बहुत सारे लोगों की ये दर्दनायक जो स्थिति है वो चलती आ रही है और हर कोई अपने किसी न किसी प्यारे की खोने की वजह से परेशान है। उसके अंदर एक दर्द है और वो इस तरह का दर्द है कि आप किसी से बात करोगे तो वो दर्द कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर से जैसे आप अकेला होगे या अकेले में रहोगे तो फिर से वही सारी जो हमारी भावना है, जो हमारे उनको लेकर विचार, और हम एक दूसरे की जैसे हम पहले करते थे कि मैं आपकी सुन सकूं और आप मेरी सुन सकूं, इस तरह से शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज मैं कुछ लोगों के कमेंट लूंगा, कमेंट को पढ़ूंगा, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा और जिस हिसाब से भी हो सकता है वो करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला कमेंट है जो अभी 25 मिनट पहले का है, स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। राधा रानी बोल रही है, ब्यूटीफुल नॉलेज, वेरी गुड डियर, गुड, गॉड ब्लेस यू। अगर दोस्तों, थैंक यू वेरी मच राधा जी आपके अप्रिसिएशन के लिए। मेरी नॉलेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो नेचर है जो मेरे अंदर डालते हैं किसी भी माध्यम से। बस क्या है कि इस नॉलेज के कई बार जब लोग प्रूफ मांगते हैं कि इन सारे नॉलेज का बेस क्या है तो उनको दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि मैं आज आपकी क्वेरीज जो थी, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जो भी कोई हमारा माँ रहने दो, हमारे बाप रहने दो, हमारे भाई रहने दो, बहन रहने दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी रहने दो, जिस किसी को भी हमने उनको खोया है, क्या हम उनको अपने जन्म या अगले जन्म में या फिर से अपने किसी बच्चे के रूप में या अपने किसी परिजन के रूप में क्या वो हमारे परिवार में फिर से जन्म ले सकते हैं? सो दोस्तों, ये वाला सवाल बहुत सारे लोगों का कॉमन सवाल था। इसके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना सा बता सकता हूँ दोस्तों कि ये पॉसिबल है और ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करता है आपका जो चाहता व्यक्ति था उस पर, यानी कि उसकी आत्मा पे, और आपके चाहते व्यक्ति की आत्मा के जो गुरु रहते हैं, यानी कि हर किसी व्यक्ति की एक गुरु आत्मा रहती है उनके ऊपर। जब तक उन दोनों का बाउंडेशन कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक वो चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती या रेक्टिफाई नहीं हो सकती, वो चाहकर भी आपके कुंबे में या आपके जो परिवार है उसमें जन्म नहीं ले सकते। और कुछ लोग हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि वो मुझे छोड़ के क्यों चले गए, ऐसा क्या हो गया, या इतने अच्छे लोग थे, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। सो दोस्तों, इस बात का या इस क्वेश्चन का जवाब उस वीडियो के अंदर ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा था दोस्तों कि जो भी लोग बहुत अच्छे होते हैं और इस पृथ्वी पर परेशान हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने अपचेतन से वो प्रार्थना कर लेते हैं और इस तरह की प्रार्थना कि उनका अपचेतन मन जो होता है उसको स्वीकार कर लेता है, तो किसी भी दुर्घटना बस या किसी भी ऐसी बीमारी के कारण वो इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं। तो एक बेसिक सा और सबसे जेन्युइन रीज़न तो एक यही है। इसके साथ साथ में हम दूसरी चीज़ें भी सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है दोस्तों, उसके पीछे की अगर उनकी इस जन्म में सिर्फ इतनी सी यात्रा थी कि जितना भी उन्होंने 20 साल 25 साल 35 साल जो भी एज उन्होंने जीनी थी वो जी के अपना काम कर चुके, अगर वो सारी यात्रा इस जन्म में पूर्ण कर चुके हैं तो दोस्तों ये सवाल ही नहीं बनता कि वो अगले टाइम फिर से आपके यहाँ पे कब जन्म लेंगे। क्योंकि अगर उनको इस जन्म में जो भी टास्क दिया गया था, अगर वो टास्क कंप्लीट करके जल्दी से इस पृथ्वी को छोड़ कर चले जाते हैं तो ये दोस्तों हम अपने कॉमन सेंस से पता लगा सकते हैं कि आने वाला उनका जो भी जन्म होगा वो बहुत लंबा होगा। इसके साथ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं हमेशा कि ऐसा क्या हो सकता है कि मैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हम उनको सबसे ज़्यादा चाहते हैं। सो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा
क्या आप जिससे भी बहुत बेशुमार मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, या बॉयफ्रेंड हो, या भाई बहन हो, या माता पिता, कोई भी हो सकते हैं। सो दोस्तों, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके नाम का हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता लेकिन आपके अंदर भाव है मेडिटेशन का, तो आप एज इट इज़ बैठ के भी उस भाव को अपने अंदर प्रकट कर सकती हैं। और जब आपको लगता है कि आज आपके लिए इतना बस हो गया, उसके बाद में क्या करना, सिर्फ उनके नाम का जो भी मेडिटेशन या जो भी आपने भाव करा उसको उनके नाम पर अर्पित कर देना, और भगवान से प्रे करना, या अपनी जो भी गुरु आत्मा उनसे प्रे करना, या अपने अवचेतन मन के अंदर ये बात को डालना कि जो भी आज मैंने मेडिसिन करा है उसका फल जो मेरे वो प्रिय हैं उनके लिए जाए, ताकि उनकी आगे की यात्रा जो भी है वो अच्छे से बीत सके। अगर उनके सामने कोई भी रुकावट आ रही है तो उससे पार पा के अपनी आगे की यात्रा अच्छे से कर सकें। दोस्तों, एक बात इसमें मैं बहुत बताना चाहता हूँ कि मैं भी या आप भी, हम ह्यूमन हैं, हमसे हमेशा गलती होती रहती है। गलती के कारण ये होता है दोस्तों, जब हमें कोई अपना छोड़ कर चला जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। बेशक हम लोग उससे प्यार करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आपको एक बात ध्यान रखना होगा, वो प्यार के रूप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अटैचमेंट है। उस अटैचमेंट के चलते दोस्तों उनकी यात्रा को हम बहुत बहुत पूरी तरह से रोक देते हैं। उसकी वजह से वो जो भी हमारे प्रिय लोग थे वो आपके सपनों में आते हैं, आपको डराएंगे। अगर वो खुश हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप उनको बहुत अटैचमेंट करके उनको बांध कर रख रहे हैं अपने पास में, तो दोस्तों चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो ऐसा नहीं है। उस जिन उनकी अवस्था जो रहती है, उनके पास बॉडी नहीं है, उनको एक चांस मिलता है जब वो यहाँ से जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि इस पृथ्वी पर मेरा अब क्या है, क्योंकि उनको एज इट इज सेम लगता है। और आप उनको याद करते हैं तो जहाँ पर भी उनकी मृत्यु हुई है पार्टिकुलर स्थान पर वो अपना वास बना लेते हैं। उसके कारण वो आपसे फिर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास में फिजिकल बॉडी ना होने के कारण में वो संपर्क नहीं कर पाते। उस चीज़ को गुस्से में रिएक्ट करने के लिए आपके सपने में आएंगे, आपके जो भी कुछ काम होंगे उनको बिगाड़ेंगे, ताकि आप उनको समझें। और उनकी आगे की यात्रा दर पे ही दर बहुत 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 बुरी होती चली जाती है, उनकी दशा खराब होती चली जाती है। तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि कभी भी जो लोग हमसे, जिनको हम सच में प्यार करते हैं, या मान लीजिए अटैचमेंट भी है, तो कभी भी उनसे ये मत कीजिए कि आप मेरे पास आ जाइए, आप ऐसा क्यों कर गए, हम अकेले हैं, आपकी वजह से परेशान है। मतलब उनको अपना अगर दुखड़ा सुनाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल बेशक 100% वो यहाँ पर फंस जाएंगे। सो दोस्तों, उनकी अच्छाई के लिए और उनकी आगे की यात्रा को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप कर सकते हो तो जैसे मैंने पहले बताया, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप घर में पूजा करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, उनके नाम का किसी को प्रसाद बांट सकते हैं, ताकि उनकी अच्छी वाइब्स उनके पास जा सके और आगे की यात्रा उनकी अच्छी हो सके। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.